नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि कुछ जो है कि परेशानी चलती रहती है लाइफ में, क्या करूँ। और मेरा फोन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बीच में और अभी भी डिस्टर्ब है, वो बंद हो जाता है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो जो है कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक राधा एक मीरा का जो उठान होता है ना, उसे और थोड़ा सा ठेका मैं बता पाऊंगा क्योंकि मोबाइल बंद होने का भी डर रहता है तो दिक्कत हो जाता है। तो इसे मैं पार्ट टू पार्ट लेकर आऊंगा, एक राधा एक मीरा का। हो सकता है सेकंड पार्ट में पूरा गाना आपको एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा क्विक समझाऊंगा, मतलब जल्दी समझाऊंगा आपको, तो माफ करिएगा। आप वीडियो को बार बार देखना तो आपको जरूर समझ में आएगा। और ये जो ढोलक रखी हैं उनका भी बहुत दिन से जो है कि ऑर्डर लगे हुए हैं और उन्हें सुनना था अपना ढोलक का टोन, तो इसलिए ये भी आज यहाँ पे रखी हुई हैं ढोलक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दुकान वगैरह भी देखना पड़ता है, थोड़ा सा वहाँ पे टाइम देना पड़ता है, पारिवारिक काम भी रहता है, प्रोग्राम भी रहते हैं, तो बहुत सारी दिक्कत है। और तो चलिए आपको समझाते हैं। तो एक राधा एक मीरा में जो बजा है सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल है गाना, आप कोई भी उसे इजीली बजा सकते हैं, है ना। तो ये जो ढोलक है विश्वकर्मा जी का जो कि उड़ीसा जा रहा है, तो बहुत अच्छा गाना है। तो थोड़ा सा बाहर सब्जी वाले भी निकालते रहते, क्या करें, थोड़ा फनी भी वीडियो रहना चाहिए ना, तो इसलिए ये लोग आ जाते हैं। तो सिंपल है बहुत ज्यादा, जो शुरुआत में लगता है सिंपल है, आपने देख ही लिया, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको थोड़ा सा, आप जो बजाने वाले हैं वो अपने आप पकड़ लेते हैं, क्योंकि ढोलक कोई सीखने का नहीं, आपके अंदर ही होना चाहिए ढोलक, तभी आपका आएगा। सीखना तो एक उस तिनके को सहारे का जरूरत होता है, तो वही चीज है ना, बाकी सीखता आदमी खुद से ही है और बाकी जो चीजें होती है तो वो सुन के सीखता रहता है, यही है। तो ढोलक जिसके ब्लड में होगा वो अपने आप ही उसे समझ जाएगा। तो किस तरीके से हमें बजाना है इसे, धा न धेकेटे, सिंपल बोल इसमें, अगर अपन तबले में बोले तो धा न धेकेटे धज के धेकेटे, या फिर धा न धेकेटे का तगदी के, इस तरीके से भी हम इसे बजा सकते हैं तबले के अकॉर्डिंग। तो इसमें ढोलक में क्या बजाना है, धा न धेकेटे धा टेटे धेकेटे, सिंपल धान धा दोनों साथ में ना, फिर सिंपल धा इधर मैं समझा दे रहा हूं आपको अच्छे से, धान धे जो धे टेट बजेगा ना, धान धे तो धी फर्स्ट फिंगर और प्लस बेस, तो धी धान धी फिर धी यहां से बचेगा धी। तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार शुरू बजा के देख रहा हूं, आप बोल एक्सप्लेन करना खुद से ही। देख लीजिए, सिंपल इतना है। तो ये आपका उठान का आधा पार्ट हो गया, फिर उसमें लास्ट में जो है ऐसा भी बजा सकते हैं, या फिर धना ना ना धना ना ना,
दो बार धित धना ना धित धना ना ना धित धा ना ना धित धा ना ना सिंपल धित धना ना ना धित धा ना 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 तीन बार ना है ना धित धा ना 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 धित धा ना 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 तो सिंपली है। तो इसके बाद जो है अधा लग जाता है, जैसे हम तीन ताल का प्रकार ही बोलते हैं वेरिएशन है। आप बहुत सारे बजा सकते हैं, सिंपल भी बजा सकते हैं गाने के अकॉर्डिंग। तो धा धि ति धि न, तो धा कैसे बजेगा, धा सिंपल धि ति च धि न, धा धि ति धि न, धा धा धि ति धि न, धि न बोल सकते हैं यहां पर धि च, धा धि ति धि च, ता इस तरीके से धा धि ति धि च, धा धा सिंपल धा धित धित धा धा धित धित धा धित धित धा धा धित धित। ये टेक्निक वही है, धित धित वही धित 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 सिंपल धी दोनों साथ में बजेगा बीच में उंगली को देखें। तो ये इसके बाद सीधा कैरवा होता है। तो दोस्तों अगले पार्ट में आपको और अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि मुझे फोन का डर लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये जो है कि गुजरात जाना है ढोलक, तो देख लीजिए। बहुत अच्छा बज रहा है ये भी। ये सुचा सिंह जी का ढोलक है जो कि कनाडा जा रहा है, ब्लैक शीशम में है, आप देख लीजिए। ये भी बहुत अच्छा बज रहा है, बेस वगैरह इतना स्मूथ है इन ढोलक का, बहुत ज्यादा स्मूथ है, क्योंकि बहुत सारे ढोलक मेकर हैं। देखो ढोलक बनता है हर किसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे किसी को हैवी बेस पसंद है तो किसी को पतला चाटी पसंद है, किसी को मोटा चाटी पसंद है, किसी को पतला ये रिंग पसंद है, किसी को मोटा रिंग पसंद है, तो हर एक चीज समझ के बनता है ढोलक। तो सबका जो है कि स्मूथ बेस होना चाहिए। कभी कभी आदमियों को इधर जो है कि बहुत हार्ड फील होने लगता है और दर्द होने लगता है उंगली में बेस बजाते बजाते, लेकिन अपना ढोलक में ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब देख के ही बनता है। बहुत स्मूथ बेस है, सब ढोलक का बहुत स्मूथ बेस है, और अपना ढोलक का मसाला भी अलग होता है और माइक पे बजता भी अलग तरीके से, देख लीजिए। और ये उनका जो लदर डला है इसमें, ये वहां के मौसम के हिसाब से डला है, ये उतरेगा नहीं, ये सारा ढोलक ए शार्प पे जा सकता है, कोई साढ़े छह का है, कोई पौने सात का है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सुन के, बहुत अच्छा बना है, देख लीजिए। सुचा सिंह जी का ढोलक है जो कि कनाडा जाना है, और बहुत अच्छा बजाते हैं वो भी। और ये ढोलक गुजरात जाना है, ये रस्सी मुझे पसंद है इसलिए मैं बार बार उठा रहा हूँ, छोटा साइज का ढोलक है, बहुत प्यारा बेस बना है, एकदम स्मूथ, देख लीजिए। कितना अच्छा बज रहा है, देख लीजिए।
बहुत अच्छा बज रहा है। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, एक राधा एक मीरा देख लीजिए, क्योंकि ये मोबाइल जो है कि 20-25 मिनट में बंद हो जाता है, तो कभी कभार लगने लगता है कि बंद ना हो जाए, शायद बंद नहीं हुआ है वो, तो देख लीजिए। बोल याद कर लेना है, धा धिट धिट ताता, सॉरी धा धा धिट धिट ता ते 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 ता ता धे ते ते धे ते। सिंपल है, धा धे ते ते धे ते 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 धे ते ते धे ते। इतने बीच में दो बेस लगे हैं, धे ते ते धे ते धे ते ते धे ते, धे और धी इस पे लगना है खाली बेस, और बीच में ही रहेगा, यही रहना है सब कुछ। तो बहुत सिंपल है ये गाना, फिर से सुन लीजिए। तो सिंपल कैसा धान सिंपल ये है। इसके बाद में आधा लग जाता है, अगले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आपको। दोस्तों बहुत सिंपल है गाना, कुछ मुश्किल नहीं है, और जिसे भी ढोलक लेना हो वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं उसी नंबर पर जो इंटरेस्टेड हो, और फुल प्रोफेशनल ढोलक मिलेगा अपने यहाँ पर, आप जैसा बोलेंगे वैसा बनेगा, रिकॉर्डिंग हर टाइप का ढोलक मिलेगा, और अपना ढोलक किसी भी माइक पर कैसा भी छोटा से छोटा साउंड हो, बड़ा सा बड़ा साउंड हो, कभी भी ये ढोलक को मिलाने में मुश्किल नहीं है, क्योंकि कई जगह होता है कि साउंड छोटा होने के कारण या साउंड जो है कि खराब अवस्था में भी ये अच्छा परफॉर्म करता है ढोलक अपना, क्योंकि बेस वगैरह उसका बहुत अच्छा रहता है, चाटी वगैरह का टोन उसका बहुत अच्छा रहता है। तो कोई भी ढोलक किसी भी तरीके से आपको जो है कि निराश नहीं करेगी, अपने यहाँ की ढोलक निराश बिल्कुल नहीं करेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा बजाने में, और दूसरों को भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा ढोलक, और आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कहाँ से लिए। तो दोस्तों आपको अगर ढोलक लेना हो तो आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं, आप दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप दोनों कर सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया, नमस्कार।